सबने का पेरी सबसे पहले उर्दू में जवाब देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और ये तो हमारी अपनी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे, ये तो 2011 के बाद एक बड़ी मुहिम सिंध हुकूमत ने चलाई थी, और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वही ऑर्डर देती है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पे या किसी कोर्ट में कोई आदमी चला जाता है कि जी मुझे राशन नहीं मिला, तो ऑर्डर आ जाते फलाने को राशन दे दो। मतलब वो जो एक पहुंच गया उसके लिए पूरी ताकत इस्तेमाल हो जाती है, इंतजामिया को भी बुला लिया जाता है, लेकिन जो उसकी जो 1% आदमी उनके पास पहुंच सकता है, जो 99% आदमी 99% लोग पहुंच ही नहीं सकते, निकल नहीं सकते, वो कहां से जाएंगे, उनको वो भूल जाते हैं। और इंतजामिया तो सुप्रीम कोर्ट के की भी सराखों पर उनकी हिदायतें, लेकिन हुकूमत सिंध ने ये चीज़ें हटाई हैं। और इस यही वजह है कि 2011 में, मैं भी पूछ लेता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, जाम साहब ने बताई थी कितनी ब्रीचेस हुए थे आरबीओडी पे आपके इस पैनल पे? कितने? 10-12 ब्रीच हुए थे इस साल, वो नुकसान नहीं हुआ है जो हुए थे। जो एक तो एलबीओडी ने नेचुरल ड्रेनेज को कई जगह से रोका है, और उसके लिए एक हमारी स्कीम बनी हुई है, उसके लिए भी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो मुझे भी उधर आना पड़ेगा कि हमारे पास, और वो तकरीबन 125 अरब रुपए की स्कीम है, ताकि वो नेचुरल डोरों को हम रिवाइव कर सकें, और एक जो इलाके ड्रेनेज से रह गए उन्हें ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकें। इतने पैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ना वफाक में दे रहा था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट से ही कहा कि सिंध के लोगों के पैसे हैं जो बहरिया टाउन के आपके पास जमा हैं, वो हमें दिए जाएँ, हमें ना दिए जाएँ, भले आप आके उसकी निगरानी करें, लेकिन इस स्कीम के लिए दिए जाएँ। उसको 2 साल हो गए, 2020 में हमने कहा था, और कई बार उनको कह चुके हैं, वो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं होती है, पता नहीं, इसलिए मैंने कहा ज्यादा सवाल नहीं करें। मैं बोलूँ रुकावटें दूर करने के बजाय, हाँ, ये 2000 नहीं, ब्रिजों पे कोई जोर नहीं है। एक देखें, किसी को आदमी कहने से कुछ रोक नहीं सकता, और आजकल माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उससे बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया है, हर एक चीफ इंजीनियर है, हर एक जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कई कई जो हैं वो इरिगेशन मिनिस्टर्स हैं, और उससे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो हर एक अपना आदमी एक व्यू देता है कि यहाँ से ब्रीच लगा दो, यहाँ से कट लगा दो, सब खत्म हो जाएगा। हमने ये फैसला किया पहले दिन से कि कोई नहीं, अगर यहीं भी कट लगाना हुआ, ब्रीचेस तो लगाए हैं ना, मंशूर को भी कट लगाया है, दरिया सिंध को भी कट, सुने, ब्रीचेज या कट्स लगाएंगे उसका फैसला सिर्फ इरीगेशन डिपार्टमेंट करेगी, और उस पर हम अटल तरीके से कायम है। कहीं थोड़ी बहुत कहीं होती है प्रॉब्लम, तो उसको उसी वक्त एड्रेस कर लिया जाता है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है।